हे गाइस, वेलकम टू लेक्चर वन ऑफ प्रोनाउन चैप्टर। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रोनाउन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, प्रोनाउन क्या है, कितने टाइप के प्रोनाउंस हैं, और जितने टाइप के प्रोनाउन मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया सारे हम डिटेल में एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि प्रोनाउन क्या है। सबसे पहले यही तो क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में कि प्रोनाउन क्या है। तो मैंने जैसे आपको बताया था कि नाउन क्या है, तो वैसे दिमाग में क्वेश्चन भी ये उठता है। सबसे पहले उठता यही क्वेश्चन है, और सबसे पहले जानना इम्पोर्टेंट यही है कि प्रोनाउन क्या है। कोई भी चैप्टर जब भी स्टार्ट होता है तो पहला जो टर्म होता है ना, जैसे एडजेक्टिव, एडवर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंजंक्शन, ठीक है, पंक्चुएशन, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, ये सब जानना, वर्ब क्या होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा काम यही है फाइंड आउट करना कि ये टर्म का मीनिंग क्या है। जब टर्म का मीनिंग समझेंगे तभी तो जाके आगे का सारे चीज़ें हम समझेंगे। तो स्टूडेंट्स को क्या होता है कि टर्म का मीनिंग ही पता नहीं होता, पूरा चैप्टर पढ़ते हैं। जब उनको क्वेश्चन करेंगे कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, वो बता नहीं पाते, कितने टाइप के प्रोनाउन है वो बता नहीं पाते। अगर ये छोटा छोटा चीज़ आपको पता नहीं है, फिर आपका मतलब जितना भी आप पढ़ लो आपको कन्फ्यूज़न हमेशा रहेगा, और कन्फ्यूज़न स्टेट में आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ये मतलब नेचुरल बात है, ठीक है, ये कड़वा सच है, ये आपको एक्सेप्ट करना होगा। और जितने भी बेसिक्स आपको क्लियर करना होगा सबसे पहले, क्लियर। तो यहाँ पे मैं जितने बेसिक्स है वो जितना जरूरत है उतना मैं बता दे रहा हूँ, और ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाके दे सकते हो, इंग्लिश तैयारी चैनल पे। देखो सबसे पहले प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन मतलब होता है ए वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ ए नाउन और नाउन इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या है, देखो नाउन का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, जितना भी हम आंखों के सामने देखते हैं, कोई कुत्ता हो, बिल्ली हो, इंसान हो, चीजें, कोई भी टेबल, चेयर, कुछ भी हो, सारे नाउन कैटेगरी में आते हैं। प्रो नाउन, नाउन देखो यहाँ पे नाउन से पहले प्रो लग गया है। इसका मतलब क्या है, प्रोनाउन का मतलब है कि नाउन के बदले में अगर आप कोई चीज उसके बदले में यूज करते हो, कोई एक वर्ड, एक ऐसा वर्ड यूज करते हो जो नाउन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, नाउन के बदले में आपने वो वर्ड को यूज किया हुआ है, तो उस वर्ड को, जो वर्ड हम नाउन की जगह पे यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, आई होप आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन का मतलब क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखा हुआ है ताकि आपको समझ में आए कि प्रोनाउन क्या होता है। पहला सेंटेंस पढ़ो, राम वेंट टू मुंबई। क्या लिखा है यहाँ पे, राम वेंट टू मुंबई। तो यहाँ पे नाउन क्या है, यहाँ पे नाउन है राम। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वही इसी के रिलेटेड है, ही एंजॉयड द पार्टी। तो यहाँ पे जो ही हमने यूज किया किसके लिए यूज किया, राम के लिए यूज किया। देखो दो बार हम राम राम नहीं बता सकते, राम वेंट टू मुंबई। देखो कोई एक सेंटेंस में, कोई एक पैराग्राफ में हमने लिखा है राम वेंट टू मुंबई, फिर उसी के बारे में लिखा राम एंजॉयड द पार्टी, तो दो दो बार एक सिंगल टाइप के नाउन को यूज करना सही नहीं होता है, ठीक है, नहीं किया जाता है ऐसे। इसलिए हमने क्या किया, जैसे इंग्लिश हमने नहीं, जिन्होंने इंग्लिश बनाया है ग्रामर को, उन्होंने क्या किया कि नाउन के जगह पे प्रोनाउन को रिपीट करने लगे, जो वर्ड हम उसको यूज करने लगे नाउन को इंडिकेट करने के लिए उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो राम की जगह पे हमने लिख दिया ही। ही क्यों लिखा, क्योंकि ही वर्ड मेल को इंडिकेट करता है, ठीक है, मेल वाला प्रोनाउन है। वैसे फीमेल वाला प्रोनाउन क्या है, सी, एस एच ई, सी प्रोनाउन है फीमेल वाला। तो ये जो हमने वर्ड यूज किया है ही, इसे कहते हैं प्रोनाउन। वैसे नेक्स्ट देखो, आई हैव मोर देन 100 बुक्स। ये सेंटेंस में नाउन क्या है, आई नाउन है, तो इसको इंडिकेट करने के लिए फिर से एक नेक्स्ट सेंटेंस लिखा गया है जिसमें उसने आई नहीं लिख के वो लिख दिया सी इंट्रोड्यूस मी टू द डीएम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये अलग से, ये अलग से सेंटेंस है, इसका कोई लिंक नहीं है। तो यहाँ पे जो देख रहे हो आप आई और ये सी, सी क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया था फीमेल को इंडिकेट कर रहा, फीमेल वाला प्रोनाउन है ये। तो यहाँ पे जो पहला सेंटेंस होगा उसमें नाम होगा, दूसरा सेंटेंस में क्या होता है, वो नाम की जगह पे हम एक वर्ड को रिप्लेस कर देते हैं जिसे कहते हैं हम प्रोनाउन, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोनाउन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउन क्या है मैंने आपको बता दिया था इंट्रोडक्शन वीडियो में, कितने टाइप के प्रोनाउन है, तो एक एक हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है, देखो ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है, आई, यू, ही, मी, देम, एटसेट्रा।
तो आई सिंगल है, यू भी सिंगल है, ही भी सिंगल है, मी भी सिंगल है, देम प्लूरल है, ठीक है, मल्टीपल लोगों को हम बोलते हैं देम, उनके लिए हम जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो है देम, ठीक है। तो इसके रिलेटेड एग्जाम में क्या एरर आता है, हमको इसके बारे में डिटेल पढ़ना है ही नहीं, हमको जरूरत है ही नहीं, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए समझने के लिए, ठीक है, बस उतना समझ लो, जितना बेसिक नॉलेज जरूरत है कोई भी चीज को समझने के लिए ग्रामर का, उतना पता होना चाहिए। अगर उतना नहीं पता है देन दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, उतना पता होना चाहिए, तो उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ जितना जरूरत है। तो इसके रिलेटेड पर्सनल प्रोनाउन के रिलेटेड क्या एरर आता है एग्जाम में, देखो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, ये हम सब्जेक्ट में जानते हैं, ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन या फर्स्ट पर्सन, ये हम जानते हैं एरर हमारे जो इंग्लिश ग्रामर में है। तो जब भी ये तीनों एक साथ मिला के जब हम यूज करेंगे, ठीक है, जब मैंने कोई एक सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन भी होगा, सेकंड पर्सन भी होगा और थर्ड पर्सन भी प्रोनाउन यूज किया गया होगा, तब जब ये तीनों एक साथ होंगे तो इसका ऑर्डर कैसे होगा, मतलब किसके बाद क्या आएगा, इसके रिलेटेड एग्जाम में एरर आता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले अगर कोई सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस है, दो टाइप के सेंटेंस में आपको बताऊंगा, देखो पहला सेंटेंस एक है, दूसरा सेंटेंस एक है, दोनों में अलग अलग टाइप के ऑर्डर है। अगर सेंटेंस एक नॉर्मल सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, ठीक है, कि नॉर्मल सेंटेंस है, आप कहीं जा रहे हो खाने के लिए, आप कहीं पार्टी कर रहे हो, कुछ भी, एक नॉर्मल पॉजिटिव सेंटेंस है, जब सेंटेंस का जो थीम होता है वो पॉजिटिव जब होता है, तब कैसा ऑर्डर में यूज होता है, सेकंड पर्सन पहले आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा, ठीक है। ऐसे भी याद रख सकते हो, मेरे टीचर मेरे को ऐसे बताए थे कि जब कोई अच्छा काम किया कर रहे हो तो अपने आप को हमेशा लास्ट में रखना, ठीक है, अपने आप को हमेशा लास्ट में रखना, अपने आप को फर्स्ट में नहीं रखना है जब अच्छा काम हो रहा है, तो जब कोई बुरा काम हो रहा है तो अपने आप को पहले फर्स्ट में रखना होगा, ठीक है, अपने आप को फर्स्ट में रखो जब कोई बुरा काम हो रहा है, अगर कोई अच्छा हो रहा है तो अपने आप को लास्ट में रखो। तो अच्छा सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस का ऑर्डर क्या है, मतलब इसका ऑर्डर क्या होगा, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो 2 3 1, ठीक है, पहले सेकंड आएगा पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। देखो सेंटेंस में यू ही एंड आई आर गोइंग, तो कहीं पे जा रहे हैं वो, ठीक है, तो पहले क्या आया, यू सेकंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, तो इस ऑर्डर पे आता है एग्जाम में एरर। यहाँ पे क्या होगा, इसी सेंटेंस में ये क्या करेगा, आई को पहले डाल देगा और ये सब बाद में लिख देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको गौर से ध्यान देके सेंटेंस को पढ़ना है, अगर आपको ये रूल पता है तो आप इसका एरर आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव थीम में है, ठीक है, नेगेटिव मीनिंग में निकला है सेंटेंस, तो वहां पे क्या होगा, ऑर्डर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, पहले खुद को रखोगे, फिर सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, तो इस पे एरर कैसे बनेंगे, यहाँ पे उल्टा सीधा कर देगा। तो यहाँ पे आपको इस कंक्लूजन निकलता यही है कि आपको सेंटेंस पहचानना या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो ये वाला ऑर्डर यूज करोगे, अगर पॉजिटिव है तो ये वाला ऑर्डर यूज करोगे, क्लियर। चलो नेक्स्ट, यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस हम पढ़ेंगे अभी, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन कहाँ पे यूज किया जाता है। देखो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन क्या होता है, आपने सुना होगा, मैंने आपको बहुत सारे लेक्चर्स में बताया था, सब्जेक्ट वर एग्रीमेंट में भी आपको बताया था कि दो टाइप के मतलब केस होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव केस और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ये जो आप देख रहे हो यू ही आई, ये सारे सब्जेक्टिव केस हैं, ठीक है, जैसे आप किसी को आई बोलते हो, आई क्या है, आई सब्जेक्टिव है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, ठीक है, तो आई सब्जेक्टिव है और मी इसका ऑब्जेक्टिव केस है, वैसे सारे के ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होते हैं। वैसे यहाँ पे इस रिलेटेड क्या एरर आता है एग्जाम में, देखो पहला सेंटेंस देखो, लेट यू एंड मी गो, ये सेंटेंस सही है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, लेट यू एंड आई गो, तो यहाँ पे गलत ये है कि लेट के बाद आपको हमेशा याद रखना है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है कोई भी नाउन का या कोई भी प्रोनाउन का। तो यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव केस है, एग्जाम में आपको सब्जेक्टिव केस लगा के दे देगा, तो यहाँ पे आपको ये रूल याद रखना है कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, तो लेट यू एंड आई गलत यूज है, लेट यू एंड मी बोलते हैं, ठीक है। वैसे नेक्स्ट देखो, ही डिपेंड्स ऑन मी, तो यहाँ पे गलत, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिपेंड्स के बाद क्या आया, मी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ये रूल क्या है बता रहा है, ये रूल ये है कि प्रीपोजिशन, देखो यहाँ पे ऑन यूज किया गया, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, सब्जेक्टिव नहीं,
तो हमने क्या देखा, दो रूल, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करना आपको, अगर सब्जेक्टिव केस यूज किया गया है प्रीपोजिशन के बाद तो सिंपली वो पार्ट में गलत है, ठीक है, और कहीं पे गलत ढूंढने की जरूरत नहीं, क्योंकि वही पार्ट गलत है। एक पार्ट अगर गलत है बाकी कोई पार्ट में गलत नहीं होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन क्लियर सेलेक्ट करना है, ठीक है, मल्टीपल नहीं है आपको, मतलब लिखना नहीं है कुछ भी कहाँ भी, वहां पे टिक करना है बस, क्लियर। तो देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वॉन्ट कम एट ऑल। तो यहाँ पे आई गलत है क्योंकि यहाँ पे बिटवीन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यूज किया जाता है, सब्जेक्टिव केस नहीं आता है। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, तो यहाँ पे हम मी को रिप्लेस कर देंगे, आई को हटा के मी लिख देंगे, तब ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा, क्लियर, समय में आ गया। तो आज का लेक्चर में इतना ही है, लेक्चर वन यहीं पे खत्म होता है, लेक्चर टू में हम और इम्पोर्टेंट रूल्स देखेंगे, ठीक है। सिंपली हम रूल्स डिस्कस कर रहे हैं, ज्यादा बकवास पढ़ाई हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, सिंपली जो एग्जाम में आता है बस वही मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, सारे रूल डिस्कस कर रहा हूँ, रूल क्यों ऐसे रूल बना गया है और कैसे आपको इसको याद रखना है और उसके रिलेटेड एग्जाम्पल्स, बस यही मेरा काम है। ज्यादा आपको बेसिक्स यहाँ पे मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ, ज्यादा बेसिक्स पढ़ के आप टाइम वेस्ट होगा ज्यादा, ठीक है, जितना जरूरत है उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ। आई होप आपने लेक्चर वन देखा है, अच्छे से समझा है कि प्रोनाउन क्या है और कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ इंट्रोडक्शन में, और पर्सनल प्रोनाउन रिलेटेड जितने भी जो इम्पोर्टेंट रूल्स मैंने डिस्कस किया है, आई होप आप वो चीजों को समझ पाए, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम और इम्पोर्टेंट चीजें पढ़ेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने लेक्चर वन नहीं देखा है तो लेक्चर वन को देख के फिर लेक्चर टू पे आना, ठीक है, ऐसे ही आप लेक्चर टू डायरेक्ट देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें हम रूल पढ़ेंगे, अभी इम्पोर्टेंट रूल ये है, देखो समझो सेंटेंस, मैंने डायरेक्ट हमेशा मैं सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है, मैं कभी रूल नहीं लिखता, मैं नहीं चाहता कि आप रूल को रटो, मैं हमेशा सेंटेंस लिखता हूँ और रूल में आपको बताता हूँ, समझाता हूँ, फिर मैं आपको सेंटेंस दिखाता हूँ। यहाँ पे रूल ये है, अगर देन यूज किया गया है, ठीक है, देन यूज किया गया है सेंटेंस में, तो देन के बाद कब हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे और कब हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था लेक्चर वन में सब्जेक्टिव केस आई एग्जाम्पल, देखो आई जो हम यूज करते हैं ये सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, मी, ठीक है। वैसे सी सब्जेक्टिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हर, समझ में आ रहा है। तो कब हम देन के बाद सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, कब हम देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, पहला सेंटेंस देखो, पहला केस देखो, यू आर बेटर देन आई, तो यहाँ पे देन के बाद सब्जेक्टिव केस हम यूज करते हैं, ठीक है, यू आर बेटर देन आई, यू आर बेटर देन आई एम, तो मैं आपको बताऊंगा ये आई कहाँ पे, आई एम कहाँ पे, मैं आपको बताऊंगा अभी रुको, लेकिन एग्जाम में आपको देगा यू आर बेटर देन मी, ये गलत है क्योंकि देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, कब, जब कंपैरिजन दो सब्जेक्ट के बीच में हो रहा है, ठीक है, जो दो नॉमिनेटिव के बीच के मतलब कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन किस किस के बीच में हो रहा है, यू आई, तो यहाँ पे दो नॉमिनेटिव, यू एक नॉमिनेटिव है, तो यहाँ पे नॉमिनेटिव दो नॉमिनेटिव के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस हम नेक्स्ट जब सेंटेंस देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। देखो ये सेंटेंस को पढ़ो, यू आर बेटर देन आई, फिर ये सेंटेंस को पढ़ो, ही रेस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, तो ये दोनों सेंटेंस में बहुत डिफरेंस है, यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है यू के साथ आई के साथ, यहाँ पे ही रेस्पेक्ट्स यू ये और कोई बता रहा है, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे और कोई बता रहा है कि ये तुमसे बेहतर है, ठीक है, तुम मतलब यू मोर देन मी, ठीक है, रेस्पेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे और कोई बता रहा है, यहाँ पे दो नॉमिनेटिव डायरेक्ट कंपैरिजन हो रहा है, जब दो नॉमिनेटिव डायरेक्ट कंपैरिजन होता है तब देन के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस हम यूज करते हैं, जब दो ऑब्जेक्टिव केस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, जब दो नॉमिनेटिव केस के बारे में कंपैरिजन नहीं हो रहा है तब हम यहाँ क्या पे करते हैं, तब वहां हम देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ही रेस्पेक्ट्स यू मोर देन मी, यहाँ पे मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, यहाँ पे आपको एग्जाम में आई ला के देगा, ही रेस्पेक्ट्स यू मोर देन आई, यहाँ पे गलत है, यहाँ पे हम सब्जेक्टिव केस यूज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दो नॉमिनेटिव के बीच में कंपैरिजन यहाँ पे नहीं हो रहा है, जब दो नॉमिनेटिव के बीच में कंपैरिजन होता है तब हम वहां पे देन के बाद डायरेक्ट सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। अब
अब आया ये दो सेंटेंस में, दोनों सेंटेंस सही है, यू आर बेटर देन आई और यू आर बेटर देन आई एम, दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन एग्जाम में कोई भी आपको एक सेंटेंस देगा। लेकिन अगर आपको ऐसा सिचुएशन आ गया जब ये दोनों सेंटेंस है सेंटेंस मतलब एग्जाम में, तो आपको सेकंड वाला चूज करना है, फर्स्ट वाला नहीं। ठीक है, सेकंड वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है फर्स्ट वाले से, वैसे दोनों सही है लेकिन सेकंड वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, एग्जाम में आपको पहला वाला ही रहेगा। अगर पहला वाला है सेकंड वाला दोनों है तो सेकंड वाला हमेशा चूज करोगे, इतना ही याद रखो। समझ में आ गया वो रूल। नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं, पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया, अभी हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है देखो, इज, इधर, नेदर, ये तीनों को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो इज कहां पे यूज करते हैं, इधर कहां पे यूज करते हैं, नेदर कहां पे यूज करते हैं, अब देखते हैं हम। यहाँ पे पहला केस देखो, इज कहां पे यूज करते हैं, इज ऑफ द टू बॉयज, इज ऑफ द थ्री बॉयज, तो हम यह दो के लिए भी यूज करते हैं, थ्री के लिए भी यूज करते हैं, फोर फाइव सिक्स जितने भी हो सारे के लिए हम इज यूज करते हैं। ठीक है, नंबर चाहे जितने भी हो सारे के लिए हम इज यूज कर सकते हैं। तो ये देखो सेंटेंस पे अच्छे से देखो, सेंटेंस देखो आप समझो और सेंटेंस देख के चीजों को याद रखो। ठीक है, रूल रटने की जरूरत नहीं, मैं आपको रूल में आपको बता दे रहा हूँ, समझा दे रहा हूँ। तो इज ऑफ द टू बॉयज, तो यहाँ पे और एक रूल क्या याद आ जाता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, इज ऑफ द के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, ये शब्द के बाद क्या होता है, नाउन प्लूरल होता है, तो ये रूल भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो बहुत सारे रूल सब मिक्स्ड है, ऐसा नहीं है कि कोई एक रूल आप याद रख सकते हो, सब रूल लिंक है, सब कुछ लिंक है, ऐसा कोई स्ट्रक्चर अलग अलग नहीं है, सब कुछ लिंक है। ठीक है, इज खत्म हो गया, अब आते हैं नेदर, इधर नेदर, इधर और नेदर दोस्तों दो चीजों के लिए हमेशा यूज किया जाता है, ना दो से कम ना दो से ज्यादा, फिक्स, ये हमेशा फिक्स है टू के लिए। अगर दो चीजों की बात हो रहा है तभी जाके इधर और नेदर का आप यूज करोगे, अगर दो से ज्यादा का बात हो रहा है तो वहां पे इधर नेदर यूज नहीं होगा, सिंपली नहीं होगा। देखो पहले सेंटेंस, इधर ऑफ दिस टू बॉयज, तो यहाँ पे टू बॉयज है इसलिए हम इधर यूज किए, नेदर ऑफ दिस टू गर्ल्स, यहाँ पे टू गर्ल्स की बात हो रहा है इसलिए हम यहाँ पे नेदर यूज किए। ठीक है, यहाँ पे इधर भी यूज कर सकते हो लेकिन वो किस चीज की बात कर रहे हैं वहां पे इधर और नेदर डिपेंड करता है, लेकिन इतना याद रखो इधर और नेदर दो चीजों के बारे में हमेशा बताता है, दो से कम नहीं दो से ज्यादा नहीं, तो एग्जाम में आपको ये टू के जगह पे थ्री फोर फाइव एटसेट्रा कुछ भी लगा के देगा तो गलत है वो सेंटेंस। ठीक है, वहां पे गलत है सेंटेंस, सेंटेंस को वहां पे टू के जगह पे और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपको ऐसा सेंटेंस आया यहाँ पे थ्री गर्ल्स होगा तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा क्या नेदर को चेंज करूं या थ्री को चेंज करूं, क्या ये वाला गलत है या थ्री गलत है। देखो गलत हमेशा ये होता है, ठीक है, नेदर वाला गलत हमेशा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे आप नंबर चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे थ्री गर्ल का बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पे थ्री होंगे, तो थ्री को अगर आप नेदर को रखे थ्री को कैसे चेंज कर सकते हो, जो फैक्ट है जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे इंडिया का नॉर्थ साइड में हिमालय है तो हिमालय को आप हटा नहीं सकते, अब बाकी चेंजेस कर दो लेकिन हिमालय को नहीं हटा सकते, वैसे सेम यहाँ पे अगर थ्री गर्ल है तो थ्री को हम नहीं हटा सकते, गलत यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा कि नेदर यूज नहीं होना चाहिए, तो नेदर की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, इज यूज कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आ रहा है, तो इधर नेदर हमेशा दो चीजों के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट रूल देखो, नेक्स्ट प्रोनाउन क्या आता है, पर्सनल प्रोनाउन खत्म हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन खत्म हो गया, नेक्स्ट प्रोनाउन है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन के अंडर में क्या क्या आता है देखो, ईच अदर और वन अनदर, अभी हम ये पढ़ेंगे कि ईच अदर हम कहाँ पे यूज करते हैं और वन अनदर हम कहाँ पे यूज करते हैं। हमेशा याद रखो ईच अदर हमेशा दो चीजों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, दो चीजों के लिए हमेशा दो चीजों के लिए यूज किया जाता है, और वन अनदर दो से ज्यादा चीजों के लिए यूज किया जाता है। अगर दो चीज की बात, दो चीजों के बारे में अगर बात हो रहा है तो हम ईच अदर यूज करेंगे, अगर दो से ज्यादा चीजों के बारे में बात हो रहा है जैसे तीन चार पांच छह जितने भी हो हम वन अनदर यूज करेंगे। ठीक है, वन अनदर कभी भी दो चीजों के लिए यूज हम नहीं करते, अगर दो चीजों के लिए है तो ईच अदर यूज करेंगे। पहला सेंटेंस देखो, द टू ब्रदर हेट ईच अदर, तो टू ब्रदर यहाँ पे आप जहां पे मैंने हाईलाइट किया हुआ येलो कलर पे देखो, टू पे ध्यान दो, टू ब्रदर की बात हो रहा है तो इसलिए हम यहाँ पे ईच अदर यूज करेंगे। एग्जाम में आपको यहाँ पे ईच अदर की जगह पे वन अनदर यूज करके देगा जो कि गलत है, वहां पे आपको जानना होगा ईच अदर कहाँ पे यूज करते हैं और वन अनदर कहाँ पे यूज करते हैं।
नेक्स्ट सेंटेंस देखो, द फाइव ब्रदर्स लव वन अनदर, तो ये सही सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पे फाइव की बात हो रहा है तो यहाँ पे हम वन अनदर ही यूज करेंगे। एग्जाम में आपको वन अनदर की जगह पे ईच अदर लगा के देगा, ठीक है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही गलत देता है, कुछ एक्स्ट्रा गलत नहीं देता है। हाँ, ये सेंटेंस छोटा है, मैंने लिखा हुआ है आपको समझने के लिए, एग्जाम में थोड़ा आपको बड़ा सेंटेंस देगा। तो बड़ा सेंटेंस में गलत यही होते हैं, ठीक है, इसी टाइप की गलत होते हैं, कुछ अलग गलत नहीं होता है। तो फाइव ब्रदर्स लव वन अनदर होगा, यहाँ पे वन अनदर की जगह पे आपको ईच अदर लगा के देगा। क्लियर हो गया। एक देखो क्वेश्चन एक देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आता है, थ्री ब्रदर्स हेट ईच अदर, तो यहाँ पे थ्री है, गलत क्या है, यहाँ पे थ्री है, थ्री को तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन हम क्या बदलेंगे, ईच अदर को बदल सकते हैं। तो एग्जाम में थ्री पार्ट, थ्री जिस पार्ट में वो गलत नहीं है, जिस पार्ट में ईच अदर है वो पार्ट गलत है, क्योंकि ये फैक्ट है, थ्री ब्रदर है, थ्री को टू नहीं कर सकते हम, लेकिन यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो पार्ट में गलत, इस पार्ट में गलत है, तो थ्री की बात हो रहा है तो ईच अदर हम नहीं कर सकते क्योंकि ईच अदर दो के लिए है, तो ईच अदर को हटा के हम लिखेंगे वन अनदर, सो थ्री ब्रदर्स हेट वन अनदर होगा। क्लियर। सो ये लेक्चर टू यहीं पे खत्म होता है। क्लियर। सो फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ, ईच अदर कहाँ पे यूज करते हैं दोस्तों, वन या टू के लिए यूज करते हैं, वन अनदर दो से ज्यादा चीजों के लिए यूज करते हैं। और बस ये नाम यूदर इतना जानो कि रेसिप्रोकल में क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या क्या आता है, ये सब चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। ये सारे नॉर्मल चीज़ें हैं, ये अगर आपको पता नहीं है, ऐसा नहीं है कि पता नहीं है तो आप स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये चीज़ें आप याद रखो, पता होना चाहिए सबको, ठीक है। ईच किसके लिए यूज करते हैं, ईच जितने भी मल्टीपल जितने भी नंबर्स हैं सबके लिए हम यूज कर सकते हैं, इधर नेदर लेकिन सिर्फ दो चीज़ों के लिए यूज किया जाता है, दो से कम नहीं, दो से ज़्यादा नहीं, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, देन मैंने बता दिया, अगर दो नॉमिनेटिव के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, दो नॉमिनेटिव के बीच में अगर कंपैरिजन हो रहा है तो वहाँ पे हम नॉमिनेटिव देन के बाद हम सब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव नहीं। अगर दो ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, अगर दो नॉमिनेटिव केस के बीच में कंपैरिजन नहीं हो रहा है तब देन के बाद हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं कोई भी ना प्रोनाउन का। समझ में आ रहा है। सो इस लेक्चर में इतना ही था, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर। हे गाइस, वेलकम बैक, वेलकम टू लेक्चर थ्री ऑफ प्रोनाउन चैप्टर। अगर आपने लेक्चर वन टू नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले लेक्चर वन टू देखो, सीरियली देखना, क्योंकि चैप्टर्स हैं, अगर आप सीरियली नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो तीन टाइप के प्रोनाउन हम डिस्कस कर चुके हैं, पहला है पर्सनल, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव, फिर तीसरा क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। तो तीन टाइप के हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कुछ नहीं है, इसके अंडर में कुछ एरर उतना होता नहीं है, बहुत ही कम एरर है, वो अलग चैप्टर में मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको पढ़ा दिया था। बस आप जान लो कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं। देखो, दिस, दैट, दीज, दोज, सॉरी थोड़ा पेन को चेंज कर देता हूँ, दिस, दैट, दीज, दोज, सच, समबॉडी, एनी बॉडी, नो बॉडी, एवरीबॉडी, इस जितना आप देख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंडर में आता है। क्लियर। तो इसके रिलेटेड क्या एरर है, मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में बताया था, सम बॉडी, एनी बॉडी, सम, एवरी बॉडी, ये सब क्या है कि एक एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, एनी वन, एवरी वन, समथिंग, ये जो जितने भी चीजें हैं ये एक एक पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो इसके हिसाब से वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो इसके रिलेटेड बस यही एरर आता है और कुछ एरर ज्यादा आता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रोनाउन पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या क्या है, देखो, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। अभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बनता है, जितने भी प्रोनाउन है उसका ऑब्जेक्टिव केस के साथ अगर हम सेल्फ को जोड़ दें तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे देखो माई, ठीक है, माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है, तो हिम ऑब्जेक्टिव केस के साथ हम अगर सेल्फ को जोड़ दें तो हिम सेल्फ बन जाता है, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया, ठीक है। हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब, हिमसेल्फ का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको अभी सेंटेंस में बताऊंगा हिमसेल्फ का मतलब क्या है। देखो,
पहला सेंटेंस पढ़ो, ही हर्ट हिमसेल्फ। इसका मतलब क्या है? उसने खुद को हर्ट किया, खुद को चोट पहुंचाया, ठीक है, खुद को कष्ट दिया। तो यहाँ पे हिमसेल्फ का मतलब क्या है? खुद को। सेल्फ का मतलब यहाँ पे क्या बन गया? को, ठीक है, खुद को। हिमसेल्फ का मतलब क्या है? खुद को। तो यहाँ पे मीनिंग समझो आप, यहाँ पे मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना मीनिंग समझे सेंटेंस समझ में नहीं आएगा। सेंटेंस नहीं समझे तो ग्रामर कहाँ से आप एरर कहाँ से निकालोगे, क्योंकि आपको सेंटेंस ही समझ में नहीं आ रहा है, एरर कहाँ से निकालोगे आप। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेंटेंस समझना, एक एक चीज़ों को समझना, ठीक है, वर्ब का किस फॉर्म में क्या मीनिंग है वो सारे समझना। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिलेटेड रूल क्या है? इस रूल में दो टाइप के टर्म यूज किया गया, एक है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा है नॉन ट्रांजिटिव। नॉन ट्रांजिटिव यूज नहीं किया गया, तो ट्रांजिटिव सिर्फ यूज किया गया, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा ट्रांजिटिव क्या है, नॉन ट्रांजिटिव क्या है। ट्रांजिटिव वर्ब देखो, मैं आपको समझा रहा हूं, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, इसका मतलब क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब मतलब सेंटेंस में जो वर्ब मेन वर्ब होता है, ठीक है, जिसको हटा देंगे तो कोई काम नहीं बनेगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का दूसरा नेम क्या है? मेन वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या है? इन ट्रांजिटिव, इसका मतलब क्या है? इन ट्रांजिटिव मतलब जो मेन वर्ब को हेल्प करता है, ठीक है, जो मेन वर्ब को क्या करता है? हेल्प करता है, उसे हम कहते हैं इन ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आ रहा है? क्लियर हो गया? अब देखो, ही हर्ट हिमसेल्फ, यहां पे हर्ट क्या है? हर्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो यहाँ पे रूल ये कहता है, अगर वर्ब ट्रांजिटिव है तो उसके बाद या तो ऑब्जेक्ट यूज होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट यूज नहीं है तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होना चाहिए। अगर ये दोनों में से कोई भी अगर नहीं है तो सेंटेंस गलत है, ठीक है। ग्रामेटिकल वे में ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो वहां हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। अगर ऑब्जेक्ट लगा दे तो सेंटेंस सही है, अगर ऑब्जेक्ट को हटा के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा दे तब भी सेंटेंस सही है, अगर दोनों को हटा देंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल देखो, ही एंजॉयड द पार्टी। तो यहाँ पे एंजॉयड क्या है? यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब है, मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ पे और कोई वर्ब आपको नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो जो मेन वर्ब है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। तो ही एंजॉयड द पार्टी, तो यहाँ पे पार्टी क्या है? ऑब्जेक्ट है, तब ये सेंटेंस सही है। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होना चाहिए, अगर ऑब्जेक्ट को हम हटा दें, ही एंजॉयड द पार्टी, यहाँ पे हम पार्टी को हटा दें, दी पार्टी को हटा दें, तो क्या होगा? ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट दी पार्टी। तो क्या हुआ यहाँ पे? दी पार्टी जो ऑब्जेक्ट था, इसको हटा के हमने क्या बना दिया? इसको हटाने के बाद हमको उसके जगह पे ट्रांजिटिव वर्ब की जगह पे उसके बाद हमको कुछ ना कुछ फील करना होगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा, और वो फीलर क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो एंजॉयड के बाद हमने लिखा हिमसेल्फ, ही हिमसेल्फ, ठीक है, उसने अपने आप एंजॉय किया, ही एंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी। ये जो एट द पार्टी आप देख रहे हो, ये क्या है? एडवर्ब ऑफ द प्लेस, ठीक है, एडवर्ब, प्लेस का, कोई भी प्लेस का एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ द प्लेस कहते हैं इसे हम। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे रूल क्या है? अगर ट्रांजिटिव वर्ब यूज किया गया है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा, इस पे रिलेटेड एरर आते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर ये सारे वर्ड्स यूज किए गए हैं तो इसके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, जैसे चीट, हर्ट, प्रोस्ट्रेट, इंट्रोड्यूस, प्रेजेंट, एब्सेंट, सैटिस्फाई, ये सारे वर्ड्स के बाद या तो आप एक ऑब्जेक्ट यूज करो या तो आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करो, आपको कोई ना कोई एक यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारे ट्रांजिटिव वर्ब की कैटेगरी में आते हैं। देखो, सी इंट्रोड्यूस्ड मी टू द डीएम, ये सही है, क्योंकि इंट्रोड्यूस ट्रांजिटिव वर्ब के बाद मी ऑब्जेक्ट यहाँ पे हमने यूज कर दिया। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, सी इंट्रोड्यूस्ड टू द डीएम, यहाँ पे है ही नहीं बीच में कुछ, मेन वर्ब के बाद कुछ नहीं है, ना ऑब्जेक्ट है ना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, कुछ भी नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। सी इंट्रोड्यूस्ड टू द डीएम, क्या इंट्रोड्यूस किया उसने, किसको इंट्रोड्यूस किया, कुछ पता ही नहीं चल रहा, कुछ मीनिंग ही नहीं आ रहा है इस सेंटेंस का, तो सेंटेंस गलत है। अगर हम इस सेंटेंस को बीच में हम वाज लगा देंगे, सी वाज इंट्रोड्यूस्ड टू द डीएम, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, ठीक है। बहुत तरीका है सही करने का सेंटेंस, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में, तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन रिलेटेड ही आपको रोल में मैं आपको बताऊंगा। तो इस जगह पे हम अगर ऑब्जेक्ट को हटा दें तो क्या यहाँ पे रखने से यहाँ पे सही होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो सी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, तो सी का क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाने से, हर सेल्फ बनता है, क्योंकि सी का
जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हर है, हर के साथ सेल्फ लगा दो तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। तो हर सेल्फ, सी इंट्रोड्यूसर हर सेल्फ टू द डीएम, तब ये जाके सेंटेंस सही हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हमने रख दिया। क्लियर? देखो एग्जाम्पल सेंटेंस, एग्जाम में किस टाइप का क्वेश्चन आता है, तो ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट्स अब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम द ऑफिस। यहाँ पे गलत क्या है, देखो यहाँ पे गलत, देखो कितना ट्रिकी है, दो टाइप के रूल मिला के एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे यूज किया है एज वेल एज, जब एज वेल एज दो नाउन या दो प्रोनाउन को जोड़ता है तो वर्ब किसके हिसाब से होता है, किसके हिसाब से, मैंने बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, किसके हिसाब से होता है, पहला सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। ठीक है, पहला सब्जेक्ट के हिसाब से होता है। तो यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट अब्सेंटेड देमसेल्फ, यहाँ पे गलत देमसेल्फ नहीं, यहाँ पे गलत देमसेल्फ है, क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो ये पहला सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे वर्ब और उसके बाद जो यहाँ पे सब्जेक्ट ये है तो इसके हिसाब से इसको इंडिकेट कर रहा है ट्रांजिटिव वर्ब, और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये इसी सब्जेक्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, जो वर्ब जिस सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी उसी सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, एज वेल एज से जुड़ा है तो हम फर्स्ट सब्जेक्ट को इंडिकेट देखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को पकड़ेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को पकड़ने से अब्सेंटेड हो गया, ये हो गया सिंगुलर, वर्ब तो हो गया सिंगुलर, छोड़ो। इसके बाद जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो भी सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट द ऑफिसर है, द सब्जेक्ट अगर द ऑफिसर है तो देमसेल्फ कैसे हो सकता है, देमसेल्फ तो प्लूरल है। ठीक है, अगर दोनों को मिला दे तब जाके देमसेल्फ सही होगा, लेकिन यहाँ पे एज वेल एज से जुड़ा हुआ है तो हमको यहाँ पे द ऑफिसर को ही पकड़ना पड़ेगा। तो द ऑफिसर को अगर हम पकड़ेंगे तो ये देमसेल्फ की जगह पे हम क्या करेंगे, हिमसेल्फ यूज करेंगे, क्योंकि द ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है, सी इंट्रोड्यूस्ड हर सेल्फ, तो यहाँ पे सी को हमने इंडिकेट किया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा, तो यहाँ पे देमसेल्फ ये दोनों को इंडिकेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे अकेले को कर रहा है, तो अकेले को हम हिमसेल्फ लिखेंगे, देमसेल्फ नहीं। तो सेंटेंस में गलत क्या है, यहाँ पे देमसेल्फ की जगह पे हिमसेल्फ होना चाहिए। नेक्स्ट देखो एम्फैटिक प्रोनाउन, नेक्स्ट प्रोनाउन क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगभग सेम है, दोनों सेम ही है, बस दोनों के मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, दोनों जितने भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो एम्फैटिक प्रोनाउन की कैटेगरी में ही आता है, लेकिन दोनों के अलग अलग यूजेस हैं। देखो पहला सेंटेंस देखो, आप सेंटेंस देख के समझ जाओगे, सोमा बिफोल्ड हरसेल्फ, नेक्स्ट सेंटेंस है सोमा हरसेल्फ वेंट देयर, दोनों में डिफरेंस है। पहला सेंटेंस का मैं आपको ट्रांसलेशन बताऊंगा, सोमा बिफोल्ड हरसेल्फ, सोमा ने अपने आप को बेवकूफ बनाया। ठीक है, याद रखो हिंदी में बताया मैं अभी, इसको समझो याद रखो। पहला सेंटेंस कह रहा है सोमा ने अपने आप को बेवकूफ बनाया, दूसरा सेंटेंस कह रहा है सोमा खुद वहां गई। तो दोनों सेंटेंस में वीडियो को पॉज करके अच्छे से सोचो दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, मैं आपको बता रहा हूँ दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। पहला सेंटेंस में है सोमा अपने आप को बेवकूफ बनाया, तो अपने आप को, खुद को, सेकेंड सेंटेंस में खुद को नहीं है, सिर्फ खुद है। ठीक है, खुद के बाद को नहीं है यहाँ पे, तो जहां पे को आ जाता है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, यही सेम वर्ड हर सेल्फ यहाँ यूज किया गया है, यहाँ भी हर सेल्फ यूज किया गया, लेकिन पहला में जो हर सेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, खुद को का मीनिंग आया है, जहां खुद का मीनिंग आता है खुद को, उसके बाद को नहीं होता है, तो वो है एम्फैटिक प्रोनाउन। समझ में आ गया, बस यही डिफरेंस है ये दोनों में। क्लियर, जहां खुद को आता है मीनिंग वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जहां खुद मीनिंग आता है वहां पे उसको बोलते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। बस ये चीज समझो, ये चीज का कोई रूल नहीं है, इसको आप मीनिंग से ही समझ सकते हो। जैसे मैंने आपको ट्रांसलेशन करके बताया, यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है, खुद को मीनिंग जहां पे आता है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सेम वर्ड अगर खुद मीनिंग में आता है वो है एम्फैटिक प्रोनाउन। क्लियर, तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है, लेक्चर 3 यहीं पे एंड होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, अगर आपको कुछ फीडबैक देना है कमेंट सेक्शन में बताओ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, अगले लेक्चर में फिर से मिलते हैं। अगर आपने लेक्चर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप पहले लेक्चर 1, 2, 3 देखना, सीरियली देखना, बीच में कोई चीज मिस नहीं करना। ठीक है, मिस करोगे फिर आप समझ नहीं पाओगे, फिर बाद में आप मुझे ब्लेम करोगे, तो वो नहीं करना, सीरियली देखना। लेट्स स्टार्ट। देखो इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसपे मतलब एरर बहुत ज्यादा आता है और नॉर्मली स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हु कहाँ पे यूज करें, विच कहाँ पे यूज करें। ठीक है,
तो इसको अच्छे से देखना, ध्यान से देखना सारे लेक्चर्स को ध्यान से देखा करो, ऐसे कैजुअली मत देखा करो। कैजुअली देखोगे तो कैजुअली मार्क्स भी आएंगे, ठीक है। सीरियसली देखोगे तो फिर सीरियसली मार्क्स भी अच्छे से आएंगे, ठीक है। तो यह हमारे एक्शन पर डिपेंड करता है कि हम कैसे करते हैं। देखो, रिलेटिव प्रोनाउन, 7 नंबर प्रोनाउंस क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे। तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंडर में क्या क्या आता है, देखो, हु आता है, विच आता है, दैट आता है, व्हाट आता है, बट आता है, आज आता है। तो स्पेशली फोकस हमारा ये हु, विच, दैट पे रहेगा हमारा भी, क्योंकि इसी पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। व्हाट तो क्वेश्चन मार्क पे आता है, बट तो हमको पता है बीच में सेंटेंस को जोड़ता है, बट का मतलब होता है किंतु, ठीक है। तो पहला केस देखो, पहला सेंटेंस पढ़ो, द बॉय हु, देखो सेंटेंस को अच्छे से देखो, गौर से देखो, मैं क्या बता रहा हूँ सुनो। द बॉय हु स्टोल माय पर्स वाज ए स्टूडेंट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, दिस इज द मैन हु स्लैप्ड रमेश। तो यहाँ पे आपने एक चीज गौर से देखो कि हु से पहले पर्सन है, ठीक है, इंसान है यहाँ पे। तो जितने भी जो जीव, मतलब जिसमें जान है, ठीक है, इंसानों के लिए हम हु यूज करते हैं, ठीक है। हु इंसानों को इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम इंसान को हटा के कोई चीज को रख दें, ठीक है, कोई भी निर्जीव चीज को रख दें, तो यहाँ पे हु का यूज गलत होगा, क्योंकि निर्जीव चीजों के बाद हम यूज करते हैं विच, ठीक है, WHICH, विच हम यूज करते हैं निर्जीव चीजों के बाद। इंसानों के लिए हु यूज किया जाता है और निर्जीव के लिए विच यूज किया जाता है। ये आप नॉर्मल रूल है, एक याद रखो। इसके बाद में आपको एडवांस समझाऊंगा एक्चुअल किस लिए यूज किया जाता है हु और विच, किस मीनिंग में यूज किया जाता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले ये याद रखो कि इंसानों के लिए हु यूज किया जाता है और नॉर्मल चीजों के लिए, कोई भी निर्जीव चीजों के लिए विच यूज किया जाता है। अगर ये चीज आप देखते हो एग्जाम में कि हु का यूज कहाँ पे गलत है, तो सडनली आप उस वहां पे मार्क कर देना कि वहीं पे एरर है, ठीक है, समझ जाना वहीं पे एरर है। जैसे यहाँ पे बॉय के बाद अगर विच यूज करेंगे तो गलत है, क्योंकि इंसानों के लिए हु यूज किया जाता है, विच यूज नहीं किया जाता है। द बॉय हु स्टोल होगा, द बॉय विच स्टोल नहीं होगा, ठीक है। तो विच चीजों के लिए यूज किया जाता है, जैसे यहाँ पे बुक है, यहाँ पे पेन है, तो विच इन लोगों के लिए, इन चीजों के लिए यूज किया गया। एक सेंटेंस पढ़ लो, द पेन विच इज ऑन द टेबल इज माइन। तो यहाँ पे क्या है, विच किसको इंडिकेट कर रहा था, पेन को इंडिकेट कर रहा था, पेन क्या है, निर्जीव है, तो इसलिए हमने यहाँ पे विच यूज किया गया, ठीक है। नेक्स्ट केस देखो, नेक्स्ट केस क्या है, दट, दट दोनों के लिए यूज किया जाता है, हु के जगह पे भी लगा सकते हो और विच के जगह पे भी लगा सकते हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है दट। देखो पहला सेंटेंस, द बॉय दट स्टोल माय पर्स वाज ए स्टूडेंट, तो बॉय यहाँ पे इंसान है, तो उनके लिए उसके बाद दट यूज किया गया उसके लिए। यहाँ पे द पेन दट इज ऑन द टेबल इज माइन, तो यहाँ पे पेन क्या है, निर्जीव है, उसके लिए भी हम दट यूज कर दिए यहाँ पे, तो दोनों के लिए दट यूज सही है, ठीक है। अब केस नंबर डी, चौथा केस, ये वाला इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम समझेंगे हु विच का कहाँ पे एक्चुअल मीनिंग क्या है, कहाँ पे एक्चुअली यूज किया जाता है और दट कहाँ पे आता है। देखो हु और विच दोस्तों डिफाइनिंग मीनिंग में भी यूज किया जाता है और नॉन डिफाइनिंग मीनिंग में भी यूज किया जाता है। मैं आपको बताऊंगा डिफाइनिंग मीनिंग क्या है, नॉन डिफाइनिंग मीनिंग है, तो आप पेशेंस रखो, मैं जितना बता रहा हूँ आप सुनते रहो, बस आप सुनते रहो, समझते रहो, एग्जाम्पल देखते रहो। हु विच डिफाइनिंग मीनिंग में भी यूज किया जाता है और नॉन डिफाइनिंग मीनिंग में भी यूज किया जाता है, लेकिन दट सिर्फ डिफाइनिंग मीनिंग में यूज होता है, ठीक है। नॉन डिफाइनिंग मीनिंग में दट का यूज बिल्कुल नहीं होता है, कभी नहीं होता है। अभी डिफाइनिंग क्या है, नॉन डिफाइनिंग क्या है, देखो पहला सेंटेंस डिफाइनिंग मीनिंग में है, दूसरा सेंटेंस नॉन डिफाइनिंग मीनिंग में है। देखो समझ जाओगे डिफाइनिंग मीनिंग क्या है, द डॉग विच आई हैव बॉट इज ब्लैक। यहाँ पे अगर हम विच को हटा दें तो द डॉग आई हैव बॉट इज ब्लैक, यहाँ पे पूरा मतलब सेंटेंस गलत हो जा रहा है, ठीक है, सेंटेंस का कोई मतलब नहीं बन रहा है यहाँ पे। विच आई हैव, अगर ये विच आई हैव को हम हटा दें, यहाँ पे सेंटेंस का मीनिंग हट जा रहा है, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं बच रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर विच को अगर आप हटा दोगे, अगर सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन रहा है, तब उसका मतलब है वहां पे विच डिफाइनिंग मीनिंग में यूज किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, आई हैव बॉट ए डॉग विच इज ब्लैक, यहाँ पे विच नॉन डिफाइनिंग मीनिंग में यूज किया गया, क्योंकि यहाँ पे विच का काम है दो सेंटेंस को जोड़ना। आई हैव बॉट ए डॉग एक सेंटेंस है,
इट इज ए ब्लैक दूसरा सेंटेंस है। जब ये दो सेंटेंस को हम जोड़ देते हैं तब यहाँ पे इट इज, इट के जगह पे हम विच यूज कर दे रहे हैं। आई हैव बॉट ए डॉग विच इज ब्लैक, तो यहाँ पे दो सेंटेंस अलग अलग था, आई हैव बॉट ए डॉग इट इज ए ब्लैक, तो जब दो को जोड़ दिए आई हैव बॉट ए डॉग विच इज ब्लैक हो गया। ठीक है, तब यहाँ पे हम अगर विच को हटा भी दें तब भी ये सेंटेंस का मीनिंग एक बनता है। तो यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग मीनिंग, उसका मतलब है नॉन डिफाइनिंग मीनिंग में विच को यूज किया गया है। यहाँ पे विच किसी को इंडिकेट नहीं कर रहा, यहाँ पे विच क्या है, जोड़ रहा है दो सेंटेंस को, लेकिन पहला सेंटेंस में विच है डॉग को इंडिकेट कर रहा है, द डॉग विच आई हैव बॉट इज ब्लैक, तो यहाँ पे डिफाइनिंग मीनिंग में यूज किया गया। यहाँ पे दट डिफाइनिंग हमेशा डिफाइनिंग मीनिंग में यूज किया जाता है, नॉन डिफाइनिंग में कभी यूज नहीं किया जाता। जैसे पहला में यहाँ पे विच की जगह पे आप दट लगा सकते हो, ठीक है, मैंने क्या बताया दट आप हु की जगह पे भी लगा सकते हो, विच की जगह पे भी लगा सकते हो, लेकिन अगर हु और विच अगर डिफाइनिंग मीनिंग में यूज किया गया तभी आप दट वहां पे लगा सकते हो, नॉन डिफाइनिंग में अगर यूज किया गया है तो वहां पे दट कभी नहीं लगेगा। ठीक है, तो डिफाइनिंग मीनिंग में पहला सेंटेंस है तो ये विच के जगह पे आप दट लगा सकते हो, लेकिन दूसरा सेंटेंस में यहाँ पे विच के जगह पे दट लगाना गलत है। ठीक है, यहाँ पे दट नहीं लगा सकते, आई हैव बॉट ए डॉग दैट इज ब्लैक, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे विच ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप बता सकते हो द डॉग दैट आई हैव बॉट इज ब्लैक, यहाँ पे दट लगेगा क्योंकि दट सिर्फ डिफाइनिंग मीनिंग में यूज किया जाता है। ठीक है, हु विच डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग दोनों में यूज किया जाता है, लेकिन दट सिर्फ डिफाइनिंग में यूज किया जाता है। यहाँ पे देखो दट दोनों में यूज किया गया, हु जहां पे था वहां भी दट है, विच जहां पे था वहां भी दट है, क्योंकि यहाँ पे जो मीनिंग जो हु और विच यूज किया गया था ये डिफाइनिंग मीनिंग में यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे आप दट को लगा सकते हो। अगर ये यहाँ पे नॉन डिफाइनिंग मीनिंग में यूज होता तो यहाँ पे दट कभी नहीं आता। समझ में आ गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये यहाँ पे, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे सबको समझा रहा था। यहाँ से स्टार्ट किया मैं, यहाँ पे आपको मैं पहला बेसिक रूल बताया कि हु जो ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है, इंसानों के लिए यूज किया जाता है उनको इंडिकेट करने के लिए, और विच चीजों की यूज किया जाता है कोई भी चीज को बताने के लिए जो निर्जीव है। फिर मैंने आपको बताया असली री मीनिंग। ठीक है, तो अभी भी आपको कोई डाउट नहीं होगा हु विच कहाँ पे यूज करते हैं, दट कहाँ पे यूज करते हैं, डिफाइनिंग मीनिंग क्या है, नॉन डिफाइनिंग मीनिंग क्या है, और डिफाइनिंग नॉन डिफाइनिंग में हु विच यूज करते हैं और दट सिर्फ डिफाइनिंग मीनिंग में यूज करते हैं। क्लियर, अब पढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट केस देखो, अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया है, ठीक है, या ओनली है, नन है, ऑल है, तो इसके बाद हमेशा दट आता है, हु विच नहीं आता है। ठीक है, अगर कोई सुपरलेटिव डिग्री यूज किया गया है या तो ओनली वर्ड है या तो नन वर्ड है या ऑल है, इनमें से अगर कोई है इसके बाद हमेशा दट आता है, विच नहीं आता, हु विच नहीं आता है। एग्जाम्पल देखो, ऑल दट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो ऑल है यहाँ पे, ऑल के बाद हम दट यूज करेंगे, यहाँ पे हु विच नहीं आएगा। एग्जाम में आपको देगा ऑल विच ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यहाँ पे गलत है। ठीक है, यहाँ पे हमेशा दट होगा, ये वर्ड्स को हमेशा याद रखो, इनके बाद हमेशा दट आएगा। नेक्स्ट देखो, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट आई कैन डू, तो यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, इसलिए यहाँ पे हम दट यूज करेंगे। दिस इज द बेस्ट थिंग विच आई कैन डू देगा आपको एग्जाम में, दट की जगह पे लगा देगा विच, जो कि गलत है। ठीक है, देखो एग्जाम में किस टाइप का सेंटेंस आता है, दिस इज नन हु कैन हेल्प यू इन द क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर कैरियर, तो यहाँ पे क्या है, नन वर्ड आया है, यहाँ हम देखा नन वर्ड के बाद हमेशा दट आता है, हु विच नहीं आता है, यहाँ पे नन के बाद देखो हु यूज करके दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपली ये पार्ट गलत है, तो हु को हटा के हम दट को अगर लिखेंगे तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा, दट इज नन विच कैन हेल्प यू इन द क्रूशियल मोमेंट ऑफ योर कैरियर। क्लियर, आई होप आपका क्लियर हो गया। तो लेक्चर 4 में इतना ही था, ठीक है, मैंने इतना ही रखा हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊँ। क्लियर, फिर से रिवाइज कर देता हूँ, अगर सुपरलेटिव डिग्री ओनली नन ऑल वर्ड है तो इसके बाद हमेशा दट यूज करते हैं, हु विच का यूज कभी नहीं आएगा। सेंटेंस का एग्जाम्पल आप यहाँ से देख सकते हो, अगर इसको मैं स्टार्टिंग से फिर से बता देता हूँ, अगर हु यूज किया गया है, हु हमेशा ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है और विच हमेशा निर्जीव चीजों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हु हमेशा कहाँ पे, हु और विच हमेशा डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग दोनों में हम यूज कर सकते हैं, लेकिन दट हमेशा डिफाइनिंग मीनिंग में यूज किया जाता है। डिफाइनिंग मीनिंग क्या है, अगर हु और विच को अगर हम हटा दें तो सेंटेंस का मीनिंग नहीं बनता है। ठीक है, टोटली सेंटेंस बदल जब ब्रेक हो जाता है और ग्रामेटिकली गलत हो जाता है,
उसका कोई सेंस नहीं बनता, तब जाके हमको पता चलेगा हु और विच डिफाइनिंग मीनिंग में यूज किया गया है। अगर विच दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है तो वो नॉन डिफाइनिंग मीनिंग में यूज किया गया है। दैट हमेशा डिफाइनिंग मीनिंग में आता है, दैट हमेशा हु और विच दोनों को हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हु के जगह पे भी दैट लगता है और विच के जगह पे भी दैट लगता है, लेकिन दैट हमेशा उन्हीं उसी जगह पे लगेगा जहां पे हु और विच डिफाइनिंग मीनिंग में यूज किया गया। यहाँ पे डिफाइनिंग मीनिंग में सेंटेंस में यूज किया गया था हु और विच, देखो हु और विच डिफाइनिंग मीनिंग में था तभी, इसलिए यहाँ पे हमने दैट को रिप्लेस किया। अगर नॉन डिफाइनिंग मीनिंग में होता तो दैट को हम रिप्लेस नहीं कर पाते, ठीक है। तो नॉन डिफाइनिंग में कभी यहाँ पे कभी दैट रिप्लेस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हम दैट लगा सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? तो लेक्चर को एंड करते हैं, लेक्चर फोर में इतना ही था। अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर कुछ इम्प्रूव करना है, कोई फीडबैक देना है तो कमेंट सेक्शन में बताना। हे गाइस, वेलकम बैक। दोस्तों वेलकम टू लेक्चर 5, और ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट लेक्चर है प्रोनाउन चैप्टर का। इसके बाद कुछ नहीं बचता है, ठीक है। अगर आपने लेक्चर 1, 2, 3, 4 नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सारे लेक्चर्स को देखना सीरियली, फिर जाके लेक्चर 5 पे आना, ताकि आपको क्लियरली चीजें समझ में आएगा। लेट्स स्टार्ट। तो आई होप आपको जितना भी मैंने पढ़ाया है अभी तक, आई होप आप सब कुछ समझे हो। मेरा हमेशा एफर्ट रहता है कि समझ में आए, और उन स्टूडेंट्स को स्पेशली समझ में आए जिन्हें इंग्लिश बहुत, जिनका इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, ठीक है। अगर उन्हें समझ में आ जा रहा है तो मैं अपने मकसद में कामयाब हूँ। क्लियर, चलो स्टार्ट करते हैं। सब ये वाला क्या है, कौन सा किसके, और एक केस बचा हुआ था किसका, रिलेटिव प्रोनाउन का एक केस बच गया था, और वो क्या है, हु और हुम। हु कहाँ पे हम यूज करें और हुम कहाँ पे, ठीक है। हु और विच में तो मैंने आपको बता दिया डिफरेंस का क्या है, और हु कहाँ पे विच यूज करते हैं और विच कहाँ पे यूज करते हैं, लेकिन हु और हुम में कन्फ्यूजन रहता है। और एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन कि हु कहाँ पे यूज करें और हुम कहाँ पे यूज करें। देखो, हु हमेशा नॉमिनेटिव केस के लिए यूज किया जाता है और हुम हमेशा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। जो हु है ये नॉमिनेटिव केस है और हुम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपको क्या याद रखना है, याद ये रखना है कि हु के बाद हमेशा वर्ब आता है। सेंटेंस में आपको यही चीज ढूंढना है, ठीक है। एग्जाम में आपको सेंटेंस में यही चीज ढूंढना है कि हु के बाद हमेशा वर्ब आता है और हुम के बाद सब्जेक्ट आता है, ठीक है। हुम के बाद कभी वर्ब नहीं होता है। अगर हुम के बाद अगर आप वर्ब देखोगे तो वो गलत है, सिंपली गलत है, ठीक है, क्योंकि हुम के बाद वर्ब नहीं आता है। अगर हुम के बाद वर्ब है तो वहां समझ जाना कि हुम गलत दिया हुआ है, आपको हुम को निकाल के हु यूज करना है उस वहां पे, उस जगह पे। क्लियर, देखो सेंटेंस, देखो सेंटेंस से अभी क्लियरली समझ में आएगा हमें। पहला सेंटेंस क्या है, द डॉक्टर हु केम हियर वाज राम्स ब्रदर। तो यहाँ पे हु है, हु के बाद क्या है, केम है, केम क्या है, यहाँ पे वर्ब है, तब ये सेंटेंस सही है, क्योंकि वर्ब के पहले हु रहता है, ठीक है, क्योंकि हु के बाद हमेशा वर्ब आता है, तो ये सेंटेंस सही है। एग्जाम में आपको यहाँ पे हु की जगह पे हुम ला के दे देगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो ये चीज पहचानना, ये चीज पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, देखो नेक्स्ट सेंटेंस, द डॉक्टर हुम आई मेट टुडे वाज राम्स ब्रदर। दो सेम टाइप के सेंटेंस, अलग अलग टाइप का, थोड़ा मतलब मीनिंग में आया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हु के बाद वर्ब है, लेकिन यहाँ पे हुम के बाद क्या है, सब्जेक्ट है। तो हुम के बाद हमेशा सब्जेक्ट होता है, वर्ब नहीं होता है। अगर यहाँ पे हु देता तो ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हु के बाद हमेशा वर्ब होता है, ठीक है। हु के बाद वर्ब होता है, हुम के बाद सब्जेक्ट होता है, इसे दिमाग में छाप के रखो। बस इसके रिलेटेड कुछ भी एरर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा एरर क्या है, और वहां पे आपको फाइंड कर दोगे, टिक करके आगे निकल जाओगे, ठीक है। अगर आपको ये चीज पता नहीं है फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। देखो एग्जाम में किस टाइप का सेंटेंस आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। देखो कितना ट्रिकी वे में दिया हुआ है सेंटेंस, द गेस्ट, यहाँ पे देखो कितना, मतलब इस टाइप के सेंटेंस एग्जाम में आते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दिया हुआ है, देखो ये दो सेंटेंस आप देख रहे हो एग्जाम्पल में, ये इजी है, ये इजी नहीं है। यहाँ पे देखो क्या है, द गेस्ट हुम वी वेर टॉकिंग अबाउट हैव कम आर माई ब्रदर इन लॉ। यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे गलत ये है कि यहाँ पे हुम नहीं होगा, हु होगा। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, यार हुम के बाद तो सब्जेक्ट है तो हुम तो सही यूज है, यहाँ पे हुम की जगह पे हु कैसे आएगा। देखो यही तो कन्फ्यूजन है यहाँ पे, और ये चीज बताने के बाद आपको और थोड़ा ज्ञान बढ़ जाएगा और आप सेंटेंस को थोड़ा अलग वे में देखना स्टार्ट कर दोगे। देखो यहाँ पे गलत क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द गेस्ट है, ठीक है, द गेस्ट इस सब्जेक्ट के लिए,
तीन सब्जेक्ट है इसमें, इस सेंटेंस में तीन सब्जेक्ट है, तीन वर्ब है। द गेस्ट सब्जेक्ट के लिए वर्ब क्या है? द गेस्ट हुम वी वेर टॉकिंग अबाउट हैव कम आर माई ब्रदर इन लॉ। तो द गेस्ट सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे आर वर्ब है, ठीक है। एक सब्जेक्ट खत्म हो गया यहाँ पे, एक सब्जेक्ट के लिए वर्ब ये है। नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या है? वी। वी के लिए वर्ब कौन सा है? द गेस्ट हुम वी वेर टॉकिंग अबाउट हैव कम आर माई ब्रदर इन लॉ। तो वी के लिए वर्ब क्या है? वी वेर, ठीक है। वी के लिए ये वर्ब हो गया। नेक्स्ट वर्ब यहाँ पे आप देख रहे हो हैव कम, देखो येलो कलर में मैंने हाईलाइट करके लिखा हुआ है। इसके लिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। इस सब्जेक्ट के लिए वर्ब आर है, वी के लिए वर्ब वेर है, लेकिन ये वर्ब के लिए सब्जेक्ट नहीं है। हैव के लिए कहाँ है सब्जेक्ट, दिखाओ। सब्जेक्ट हैव के लिए सब्जेक्ट ये है हु, यहाँ पे जो यूज होगा, ठीक है। तो वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है, सॉरी वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट क्या है? हु है, ठीक है, क्योंकि वर्ब के पहले हु यूज किया जाता है आज ए सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट से पहले हमेशा हुम रहता है। तो यहाँ पे वर्ब है जिसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये किस पे डिपेंडेंट है? इस पे डिपेंडेंट है, या यहाँ पे हु होगा या हुम होगा। तो यहाँ पे क्या है, हु और हु का जगह, हुम के जगह पे हम क्या यूज करेंगे? हु यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है, ठीक है। वर्ब के पहले हमेशा क्या होता है? हु होता है, हु के बाद हमेशा क्या होता है? वर्ब होता है। तो यहाँ पे हुम का यूज गलत है, ठीक है। देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड वे में दिया हुआ है सेंटेंस को। तो इस टाइप के सेंटेंस एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे। अगर यहाँ पे ऐसा होता कि एक सब्जेक्ट ये है, इसका वर्ब होता आर है, और वी का यहाँ पे वेर है, अगर यहाँ पे हैव कम नहीं दिया होता, तब यहाँ पे हुम का यूज सही है, क्योंकि एक सब्जेक्ट का वर्ब ऑलरेडी है और दूसरा सब्जेक्ट का ऑलरेडी है। तो एक सब्जेक्ट के लिए वर्ब है, दूसरा सब्जेक्ट के लिए वर्ब है, तो तीसरा कोई ऐसा वर्ब नहीं है जिसके लिए सब्जेक्ट आपको लिखना होगा। तो वहां पे हुम यहाँ पे सही है, क्योंकि हुम के बाद सब्जेक्ट यहाँ पे है, हुम के बाद कभी वर्ब नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे हुम के बाद सब्जेक्ट होते हुए भी यहाँ पे आपको हु लगाना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वर्ब खाली पड़ा हुआ है, ठीक है, और ये डिपेंडेंट है इस पे, तो यहाँ पे हम हु लगाएंगे। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखो इंटरगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंटरगेटिव का मतलब क्या है? क्वेश्चन फॉर्मेट। तो कभी भी किसी को क्वेश्चन पूछते हो तो हम क्या क्या यूज करते हैं? प्रोनाउंस हु यूज करते हैं, हुम, विच, हुज, व्हाट, ये सारे हम यूज करते हैं। तो इस पे ज्यादा मतलब उतना एरर आता नहीं है, बस इसका एरर इतना ही आता है कि आपका इसका मीनिंग पता होना चाहिए। अगर मीनिंग नहीं पता है तो आप इसमें गलती कर दोगे। हु का मीनिंग क्या है? किसी को पूछते हो हु आर यू, मतलब तुम कौन हो, ठीक है। हु का मतलब क्या है? देखो पहला सेंटेंस हु कम्स हियर, तो यहाँ पे कौन आया, तो यहाँ पे हु का मतलब ये है। सेंटेंस में, सेंटेंस के मीनिंग में समझो आप, यहाँ पे समझने का फेयर है बस, कुछ नहीं। हु सेंटेंस में अगर यूज किया तो सेंटेंस का मीनिंग क्या है, विच अगर सेंटेंस में यूज किया गया तो मीनिंग क्या है, व्हाट यूज किया गया तो क्या मीनिंग है, ऐसा। पहला सेंटेंस का क्या मीनिंग है? कौन यहाँ पे आया था, यहाँ पे हु मतलब कौन है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? विच ऑफ दिस जेंटलमैन इज जॉन, तो इनमें से कौन जेंटलमैन जॉन है, ठीक है। तो इनमें से विच ऑफ दिस जेंटलमैन, तो विच ऑफ दिस जेंटलमैन का मतलब क्या है? इनमें से कौन, ठीक है, इनमें से कौन है जॉन, ठीक है। तो यहाँ पे विच के जगह पे हम हु यूज नहीं कर सकते, विच के जगह पे हु अगर यूज करेंगे तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा और सेंटेंस का मीनिंग गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे विच हम यूज करेंगे। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? व्हाट इज द मैटर, मैटर क्या है, तो व्हाट का मतलब क्या बना यहाँ पे, क्या, ठीक है। हिंदी का मीनिंग जो क्या है वो है व्हाट, क्लियर। नेक्स्ट क्या है प्रोनाउन? आई होप आपको इंटरगेटिव प्रोनाउन समझ में आ गया। नेक्स्ट प्रोनाउन क्या है? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी मतलब आश्चर्यचकित होना, ठीक है। कोई भी चीज के लिए आप आश्चर्यचकित हो गए, कोई भी अच्छा सुंदर चीज देखिए आश्चर्य हो गए, ठीक है। तो ये एक्सक्लामेटरी में आता है, और उसके रिलेटेड जो प्रोनाउन यूज किया जाता है और वो उसे कहते हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। तो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन एक ही है व्हाट, ठीक है। तो सेंटेंस देखो, एग्जांपल सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट ए ब्यूटीफुल प्लेस दिस इज, ठीक है। तो एंड में कौन सा साइन आया? एक्सक्लामेटरी साइन आया। तो ये याद रखो, साइन अगर एक्सक्लामेटरी है तो समझ जाना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। और यहाँ पे जो व्हाट है ये इंटरगेटिव मीनिंग में यूज नहीं किया गया, यहाँ पे एक्सक्लामेटरी मीनिंग में यूज किया गया है। तो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है क्या, व्हाट इज द मैटर, क्या मैटर, मैटर क्या है। यहाँ पे बोला जा रहा है कितना, मतलब क्या ब्यूटीफुल प्लेस है, ठीक है। आप यहाँ पे बोल रहे हो क्या ब्यूटीफुल, मतलब आश्चर्य होके बोल रहे हो क्या ब्यूटीफुल, कितना ब्यूटीफुल सुंदर प्लेस है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट
का कौन सी ये वहाँ पे ये वर्ड प्रोनाउन क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन है। तो आपको अगर कोई सेंटेंस दे के अगर पूछा जाए कि दो टाइप का सेंटेंस, ये सेंटेंस भी देगा और ये सेंटेंस भी देगा, आपको पूछेगा यहाँ पे वर्ड किस मीनिंग में है, किस प्रोनाउन में है और ये वर्ड किस प्रोनाउन में है, तो आपको पता होना चाहिए ये वर्ड यहाँ पे इंटरोगेटिव प्रोनाउन कैटेगरी में आता है और ये वर्ड यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कैटेगरी में आता है। क्लियर, आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ पे लेक्चर 5 एंड होता है और इसके साथ प्रोनाउन चैप्टर भी एंड होता है। ठीक है, ताली बजाओ, खुशियां मनाओ, क्योंकि प्रोनाउन चैप्टर आपका खत्म हो गया। एक एक जब चैप्टर खत्म होता है ना, तो खुश मतलब एंजॉय मतलब सेलिब्रेट किया करो, क्योंकि बहुत बड़ा है यार, एक एक चैप्टर खत्म होना बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे खत्म हुआ है तो सेलिब्रेट करो। सो अगले कोर्स में, नया कोर्स में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।